आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज का BGIS डिटेल्स, फिर जो कल स्टैंडिंग्स का प्रॉब्लम आया है, ऑफिशियल का स्टैंडिंग कुछ और है, मैंने जो दिखाया वो कुछ और है, तो कौन सा सही है, क्या गड़बड़ हुआ है बताता हूँ, फिर कुछ टीचर्स के बारे में जो BGIS में खेल रहे हैं और जो जीरो रिकॉयल था उनके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले स्टैंडिंग्स को लेके। कल मैंने बताया था जो स्टैंडिंग्स आया था, तो उसके बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि ये गलत स्टैंडिंग है, फेक स्टैंडिंग है, कुछ लोग तो भाई फालतू का हेड ही मुझे दिए। तो भाई वीडियो को देखो, समझाता हूँ। गलती यहाँ पे ऑफिशियल्स का है। जो पहला मैच था, अगर आप लोग देखे होंगे तो पहला मैच का स्टैंडिंग देख सकते हो, जिसमें इनसेन चिकन निकाले थे, 8-9 फिनिशेस था, लेकिन ये लोग ओल्ड पॉइंट सिस्टम लगा दिए 15 पॉइंट पोजीशन का। भाई 15 पॉइंट तो अब मिलता भी नहीं है। टीम एक्स स्पार्क सेकंड पे थे तो 12 पॉइंट पोजीशन का यहाँ पे देख सकते हो। यही गड़बड़ हुआ है सिर्फ एक मैच में, पहला ही मैच में बोलो ओल्ड पॉइंट सिस्टम लगा दिए और इसी को ओवरऑल में भी ज्वाइन कर दिए। आगे दिखाता हूँ। ये पहला मैच था, फिर टीम एक्स स्पार्क का जो ग्रुप था, ग्रुप बी का एक और मैच हुआ था विकेंडी, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो चिकन निकाले थे TX, तो इसमें 10 पॉइंट ही मिला है। तो बाकी सब मैचेस में न्यू पॉइंट सिस्टम मिला, लेकिन जो पहला मैच था उसमें गलती से वो लोग ओल्ड पॉइंट सिस्टम लगा के ऐड कर दिए। अब यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ प्रूफ के साथ। तो पहला मैच यहाँ पे जो पहला ग्रुप था इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 12 पोजीशन पॉइंट, 7 फिनिश पॉइंट, तो 19 टोटल पॉइंट था TX का। सेकेंड मैच में जिसमें चिकन निकाले थे उसमें 13 पोजीशन फिनिश पॉइंट एंड 10 पोजीशन पॉइंट, मतलब 23, तो दोनों को ऐड करोगे तो 42 यहाँ पे हो जा रहा है, जो कि एक्चुअल में 36 होगा, क्योंकि मैंने बताया जो पहला मैच था उसमें #2 आए थे, तो #2 का 6 पॉइंट मिलता है, लेकिन ये लोग ओल्ड ले लिए थे। सो ओवरऑल स्टैंडिंग्स में यहाँ पे देखोगे तो इसीलिए टीम एक्स स्पार्क का 42 पॉइंट्स दिखा रहा है और कुछ टीम्स ऊपर नीचे है। मैं बता दूँ ये गड़बड़ है, गलत है, ये फेक है ऑफिशियल्स का, जो कि शायद आज रिफ्रेश हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये वाला स्टैंडिंग देख सकते हो, ये है रियल, जिसमें TX 36 पॉइंट, सेकंड पे मोगो है, थर्ड पे ZR, फिर FSR, रेवन है, NTT, RU, इनसेन, आगे रेकनिंग, TT, गॉडलाइक 11th पे 21, गॉडलाइक कुछ बोल रहे हैं कि 23 होगा, तो वो गलत है, क्योंकि पहला जो यहाँ पे मैच था वो ओल्ड पॉइंट सिस्टम के हिसाब से ज़्यादा पॉइंट मिल रहा था, जो कि गड़बड़ हुआ है। बाकी भी यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ पे टीम्स है, फिर सेकंड चार्ट जिसमें 17 नंबर से 32 टीम्स में, सो इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी टीम्स है जिनको यहाँ पे आज कमबैक करना पड़ेगा। मे भी यहाँ पे देखते कैसा रहेगा और आज का फॉर्मेट कैसा रहेगा। सो ग्रुपिंग में कोई चेंजेस नहीं होगा, ग्रुपिंग सेम रहेगा, ग्रुप ए देख सकते हो, ग्रुप बी देख सकते हो, मैंने कल बताया ही था, बट यहाँ पे देख सकते हो। सो ग्रुपिंग सेम रहेगा, मैच का जो फॉर्मेट था, मैच शेड्यूल, वो भी लगभग सेम रहेगा। अगर कुछ चेंज होगा तो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट दे दूंगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर लेना। तो ये हो गया फॉर्मेट एंड स्टैंडिंग्स का प्रॉब्लम सॉल्व। अगर कंफ्यूजन है भाई तो कमेंट कर सकते हो, मैं क्लियर कर दूंगा। एंड फिर इसी के साथ अब बात करते हैं कुछ न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम आया था कल मुंबई में, जहाँ पे कोटला का बुट कैंप है, तो देख सकते हो हेड्स ने ये शेयर किया था। गाइज आज अपने एरिया में सब इलेक्ट्रिसिटी और वाईफाई डाउन हो गया था, गॉडल CG NRNT 2, बहुत फ्लक्चुएशंस, बैकअप वगैरह सब रेडी है, बट ये चीज़ें बीटी देता है, मतलब वहाँ पे कुछ उस एरिया में कुछ प्रॉब्लम आया था। सो तीन बूट कैंप में ऐसा कुछ इशू आया था, वैसे RND तो क्वालिफाई नहीं कर पाए, बट वहाँ पे बात किए होंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये इशू गया, लेकिन सही है, बैकअप सब रेडी था, तो इसीलिए ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आया। होप करते हैं आज कोई वैसा इशू ना हो। एंड उसी के साथ अभी बात करते हैं चीटर्स के बारे में। सो कल गुज्जर ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें NIYE Sports को वो एक्सपोज करते हैं। तो जो NIYE Sports के प्लेयर्स है वो पुराने मिस्ट के प्लेयर्स है, और ये छिपा हुआ नहीं है, अगर आप लोग चेक करोगे उनका यहाँ पे जो प्लेयर्स का अकाउंट है इंस्टाग्राम में, तो वहाँ पे आपको खुद दिख जाएगा जो उनका यहाँ पे शेयर किए हैं पास्ट का रिकॉर्ड्स, तो उसमें देखोगे तो उनका पास्ट अचीवमेंट शेयर किए हैं। तो मिस्ट नाम का पहला यहाँ पे इनका टीम था, और आपको याद होगा पिछला साल जो ऑफिशियल इवेंट हुआ था उसमें मिस्ट ऑफिशियल्स पे बहुत सारे एलिगेशंस लगा था, बहुत सारे प्रूफ्स देखने को मिले थे हम लोगों को चीटिंग्स का। सो वही टीम है, वही प्लेयर्स है, इस बार बस यहाँ पे टीम नेम चेंज कर दिया गया है। बाकी प्रूफ सुनना है तो यहाँ पे गुजर का थोड़ा सा पार्ट देख सकते हो। टीम NIYE में चार प्लेयर तुम्हें खेलते हुए दिख रहे होंगे, एक्चुअली ये चार नहीं पांच प्लेयर है, जिसमें से इनका फिफ्थ प्लेयर तुम्हें दिख जाएगा NIYE ब्लेड, ये इनका फिफ्थ प्लेयर है। इसको अभी ये खिला क्यों नहीं रहे, मेन पॉइंट आता है इसको ये खिला क्यों नहीं रहे। ब्लेड को इसलिए नहीं खिला रहे क्योंकि इस बंदे की भी ऑलरेडी एक ID बैन पड़ी हुई है, और ये चीज सामने ना आ जाए इसीलिए इस बंदे को अभी तक छुपा के रख रहे थे। इससे पहले ब्लेड का कहीं भी नहीं था। ब्लेड की लास्ट पोस्ट तुम अगर देखोगे ये 2022 की तुम्हें दिखेगी, दो साल से भाई ने कोई भी पोस्ट नहीं करी। मैं बता देता हूँ बाकी क्यों नहीं करी, क्योंकि ये एक बैंड प्लेयर है, इसकी आईडी भी तुम्हें बैंड मिल जाएगी। ब्लेड हमारे बैंड प्लेयर थे, बट इन्होंने कल ही अपने बायो के आगे ये लगाया कि प्लेइंग फॉर
एंड IY Esports। तो ऐसा ही सीन है, NIY ब्लेड भी बैन प्लेयर है, इसकी आईडी 10 साल के लिए बैन हुई है और स्कॉर्पियन को तो लाइव बैन तुम सबको दिख ही गया था। याद होगा BGIS 2022 में एक टीम खेल रही थी मिस्ट ऑफिशियल करके, जिसके ऊपर लाखों एलिगेशंस थे, जिसके प्रूफ्स बाहर आए थे, जो कि एक हैकर टीम है। इसीलिए इन्होंने अब नाम चेंज करके NIY Esports कर दिया। इनके सेकंड प्लेयर के ऊपर चलते हैं, जिसका नाम है डागर डेविल, IG डागर डेविल करके इसका इंस्टाग्राम है। और इसकी तुम डीपी आज से पहले देखोगे कि तो इसकी ये कुछ डीपी थी, जिसमें डीपी में ये था मिस्ट फ्रैगर। इस डागर का असली नाम है योगी, प्रीवियसली बहुत टूर्नामेंट योगी नाम से भी खेला है। और ये योगी जो बंदा है, जो कि यानी कि डागर डेविल, वो पास्ट हैकर है जो कि मिस्ट टीम से खेला था, मिस्ट फ्रैगर ओपी। ये चीज आज से पहले इन्होंने ये खुद ही अपनी डीपी लगा रखी थी, जो कि हमने पहले ही स्क्रीनशॉट ले लिया था। इस चीज इनका एक बंदा और बचा, वो भी पास्ट हैकर, मिस्ट से ही खेला है बंदा। ये तो खुद अभी से अपनी टीम को गिल्टी मानने लगा कि हाँ भाई मैंने तेरी बात नहीं मानी, मतलब इसके पास्ट टीममेट से बात कर रहा है जिसने इनके साथ खेलने से मना कर दिया था, क्योंकि उसको पता था कि ये हैक यूज करने वाला है। उन्होंने इसको बोला कि हम हैक यूज करने वाले हैं, क्या तू हमारे साथ खेलेगा, तो इसने मना कर दिया। बट सैम नाम का बंदा जो कि इस पास्ट प्लेयर का दोस्त था, वो इनके साथ चला गया। अब आप लोग चाहो तो पूरा वीडियो उनके चैनल पे देख सकते हो। और यहाँ पे देखो गड़बड़ तो है, पास्ट में वो लोग कुछ गड़बड़ किए हैं, हैक किए हैं, अकाउंट भी बैन खाया है दो प्लेयर का 10 साल के लिए, और फिर यहाँ पे वो लोग नेम भी चेंज कर दिए है। तो भाई अगर यहाँ पे इतना अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे मिस्ट ऑफिशियल से, तो नेम क्यों चेंज किए, सेम प्लेयर्स भी तो खेल रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। लेकिन BGIS में यहाँ पे कुछ गड़बड़ पकड़ाया नहीं है, इसलिए ये लोग खेल पा रहे हैं। और वैसे कल का तो परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा था ये टीम का भी, और प्राइम ईस्पोर्ट्स जो कि सबसे ज़्यादा एलिगेशंस लगा था, तो उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था। और उसमें खासकर ऐसा न्यूज़ है कि जो एडमिन्स है वो सभी प्राइम ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स के घर गए हैं, अलग अलग प्लेयर्स के अलग अलग एडमिन, तो इसीलिए शायद परफॉर्मेंस डाउन रहा है। खैर देखते कैसा रहेगा। फिर उसके साथ यहाँ पे जो जीरो रिकॉयल है, इन पे भी एलिगेशंस लगा था। सो उनके यहाँ पे जो प्लेयर्स थे वो कल नहीं खेल रहे थे, जैसे यहाँ पे ZR सार्थक थे, आपको याद होगा, जिन पे एलिगेशंस था। सो वो कल नहीं खेले एक भी मैच, शुरू का दो मैच में तो तीन ही प्लेयर खेले और लास्ट मैच में एक न्यू प्लेयर खेला था। और इनका लास्ट मैच, मतलब ये लोग सैनोक मैच में चिकन निकाले थे, तो कुछ लोगों यहाँ पे सस्पिशियस लग रहा था, तो कुछ लोग यहाँ पे स्टोरी में टैग किए होंगे, तो ये एक स्टोरी लगाए रिप्लाई करते हुए, ले पढ़ सकते हो, सबकी आवाज सुन ले, मतलब यहाँ पे ये POV अपलोड किए, पहले POV देख लो। अब यहाँ पे भाई देखोगे तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे POV अपलोड कर दिए, आवाज भी सुना दिए, मतलब फुल कॉन्फिडेंस है। लेकिन ये चीज करके ये खुद को फिर से गलत प्रूफ कर दिए, क्योंकि अगर ये इतना ही कॉन्फिडेंस था तो जब सार्थक पे एलिगेशंस लग रहा था कि वो पुराने TT या फिर कोई एक हैकर सार्थक है, तो उस टाइम क्यों नहीं रिवील किए। उस टाइम यहाँ पे POV तो था लेकिन आवाज़ नहीं सुनाए, ना ही ये कॉन्फिडेंस दिख रहा था, मतलब क्लियर यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि उस टाइम कुछ था इसलिए वो POV अपलोड नहीं किया। और अब यहाँ पर ये क्लियर है कि ये सार्थक या फिर कोई न्यू प्लेयर से लोग खेल रहे हैं, तो तुरंत POV अपलोड कर दिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ। चलो भाई यहाँ पर सही है, वैसे देखो प्रूफ जब तक नहीं मिलता है तब तक सब इनोसेंट है, जब तक प्रूफ ना हो जाए। और पास्ट में भाई गड़बड़ है, क्योंकि भाई गड़बड़ नहीं होता तो भाई ये क्लियर POV अपलोड करके शांत कर देते सबको। खैर परफॉर्मेंस अच्छा रहा था और इनके भी घर एडमिन गए हैं, लेकिन शायद एक ही प्लेयर के घर एडमिन गए होंगे, चारों प्लेयर के साथ नहीं गए हैं, जो भी सीन है। अब देखते हैं यहाँ पे आज होगा Day 2। और चलो आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे बताना था ये न्यूज़ एंड डिटेल्स के बारे में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।